हाय गाइस किन छो मजावा आज हम 15 पार्सल खोलने वाले हैं तो आपको मजा आएगा। हाँ कि ना बोलो, मजा आएगा। मम्मी ने दिवाली की शॉपिंग की है, मीशो से की है, तो जल्दी फटाफट से चल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये दो चीजें, और ये दो चीज मैंने इस मैडम के लिए मंगवाई थी क्योंकि उस स्कूल में क्या बनना था, माता जी माता रानी बनना था, तो फिर मैंने सोचा कि मंगवा लेते हैं, बट वो टाइम पे आया नहीं, नेक्स्ट डे पे आया था या ऐसा कुछ था, सेम डे पे बाद में आया था। ये है दो आई शेडो पैलेट, ऑब्वियसली ये डुप्लीकेट है। ये है न्यू न्यूड हुडा गर्ल एंड ये है रोज गोल्ड पैलेट ब्लैक कलर का, एंड ये है बेबी पिंक कलर का। ऐसे कलर्स आते हैं, मतलब जो भी चाहिए वो आ ही जाता है, ये भी ऐसे सारे कलर्स आते हैं, एंड ये भी हमारे काम बाद में नवरात्रि में आ ही गया था। यहाँ पे थोड़ा सा ये खराब भी किया हुआ है इस मैडम ने, सो या ये हमें 180 में दो आ जाते हैं, तो और जिंदगी में क्या चाहिए, मेकअप। आगे बढ़ेंगे और ये हमारी सबसे छुटकू छुटकू से पार्सल है, तो ये हम पहले ओपन करेंगे। इसमें इयररिंग्स है, मैंने दो इयररिंग्स ऑर्डर करी थी, अब देखते हैं एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए कौन सी है। ओके ये मांग टीका वाली है, ये आपने मीशो में जरूर देखी होगी। हमें आते हैं इसमें टू इयररिंग एंड वन मांग टीका का कॉम्बो। बहुत टाइम से कार्ट में था ही ऑलरेडी, बट फिर मैंने सोचा कि अब ऑर्डर कर देते हैं, एंड दिस इज रियली रियली प्रिटी। काफी लाइट वेट है, हैवी लुक देने वाला है, सी मैं आ सोचो। इसके साथ हमें आता है ऐसा मैचिंग वाला मांग टीका, ये भी काफी लाइट वेट है बट ये काफी प्रिटी लगेगा। इयररिंग क्या बोलते हैं, चेन आती है जो हमें ऐसे पीछे लगानी होती है, एंड ये काफी आपको माता रानी बनती तब तो बहुत देर तो हुआ था, ये ऑब्वियसली बजट में ही है। पार्सल ओपन करेंगे हमारे मैडम, इसमें से दो बॉक्स निकले हैं, इसमें एक में तुम देखो एक में मैं देखती हूँ, ये देखो तुम, ये मैं देख लेती हूँ। इसमें तो बाल है चोटी बनाने वाला, अलग अलग कलर के नहीं लग रहे हैं, सेम ही लग रहे हैं, ये ब्लैक लग रहे हैं तो शायद मेरे हेयर में मैच नहीं होगा। ये मुझे इस मैडम की वजह से मंगवाना पड़ा है क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी पहले मंगवाया था, इसने दो तीन बार ऑलरेडी पहन ली थी वो चोटी, बट मैंने एक बार डाली तो फिर उसने मेरा सर इतना खाया कि आपने क्यों पहनी, मुझे क्यों नहीं पहनाई। फिर घर आके तुरंत मैंने ये ऑर्डर करी, वो भी दो वाला कॉम्बो मैंने ऑर्डर किया है, सो या दिस इज दिस। मैंने कुछ 15 चीजें एक साथ ऑर्डर करी थी, टू माई शॉक मीशो बहुत ही टाइम लगाता है सारे पार्सल पहुंचाने में, बट इस बार ये पता नहीं है ये कैसे जादू हो गया। ओके ये थी दिस सेकंड इयररिंग, इसका डिजाइन मुझे बहुत बहुत ये देखो पहले पसंद है, मतलब ये कुछ घर टाइप जरोखा टाइप, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, बट ऐसा कुछ टाइप ये इयररिंग है, ये बहुत ही लाइट वेट है, इसमें भी ऐसा मोती का चेन आता है जो काफी प्रिटी लगेगा। ये इसमें कुछ टूट फूट जाए उससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, ये नेकलेस बहुत ही प्रिटी है सच में, और ये दिवाली में के लिए अच्छे है, बहुत अच्छे, ये नवरात्रि के लिए पहनना होता है मैडम, दिवाली के लिए भी अच्छा है। हाँ तो ये नवरात्रि के बाद मैंने मंगवाया है क्योंकि इसकी प्राइस 80 रुपीज या 90 रुपीज थी जस्ट, एंड मुझे लगा कि वाई नॉट, ये काफी लाइट वेट ही है तो फिर मुझे लगा सिर के भी काम आएगा, यानी ये बहुत ही मस्त लगने वाला है। आई एम लविंग इट ऑलरेडी, ऐसी वाली इयररिंग्स रिंग जैसी लगती है। नेक्स्ट हम दो मस्त पार्सल देखने वाले हैं, एंड ये दो मैंने छह है पार्सल रेडी ओपन कर दिए थे क्योंकि फिर मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बहुत था, एंड थोड़ा सा वो मेरे कुछ था फटाफट से देखना था, और फिर ये भी डिसाइड करना था कि वो हमें रखना है या नहीं। फर्स्ट इज दिस, एक बहुत अच्छा हाँ मस्त चीज है, मुझे कुछ रखना है इस पर तो। दोनों चीजों में से मुझे ये इतना पसंद आया, बट इसकी साइज थोड़ी कुछ रखना बड़ी होती तो फिर मेरा आइडिया मस्त वाला एग्जीक्यूट हो पाता, बट इससे भी हम काम चला ही लेंगे। एंड ये है एक वुडन शेल्फ, ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट में मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन में मैंने देखा था, फिर मैंने मीशो में सर्च किया, एंड ऑब्वियसली मीशो में इसकी प्राइस बहुत 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 कम थी, लाइक इट वॉज फॉर 900 अराउंड,
कोई और ऐप में एंड इसमें 500 के आसपास इसको ले जाओ हमें मिल गया है एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी। एंड इसमें हमें दो कलर भी अवेलेबल है, सो या ये है एक मस्त वुडन मटेरियल वाला एंड सुपर प्रिटी ये कार्विंग वाला एक शेल्फ। आई एम सुपर टूपर हैप्पी। एंड ये है एक और शेल्फ, ये भी आपने हर एक ऐप में एंड मीशो में भी देखा ही होगा, कहता है ये 3 का सेट। ये क्या है? मुझे एंड ये भी बहुत टाइम से मुझे पसंद था बट फिर मैंने दोनों साथ में ऑर्डर किए और ये भी मुझे अच्छा लगा बट इसमें एक डिफेक्ट आया है तो इसलिए मुझे अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा। दिस द 3 कॉम्बो वाला शेल्फ, आयरन का आता है एंड ऊपर ये वुडन का आता है। ओके, एक छुटकू सा आता है, इससे भी एक छुटकू सा आता है तो लाइन में लगाने होता है। एक बुरी बात ये है कि इसमें यहाँ पे ऐसे देखो डैमेज कुछ मतलब ऐसे घिसा या आई डोंट नो कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, नहीं ये गाना वाला नहीं है पकड़ाते तो नहीं होता तो हम ये दोनों रख लेते। ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिला है एंड इसमें हमें कुछ कॉइन्स वापस भी मिलते हैं जो हमें नेक्स्ट शॉपिंग में काम आता है। अब हमारी कुछ लास्ट आइटम्स बची है और वो काफी सारी है उसमें सारी भी है और काफी नहीं है बट सारी की सारी क्लोथिंग आइटम है एंड इस बार फॉर अ चेंज सारी की सारी मेरी क्लोथिंग आइटम है तो मुझे नहीं पता मस्त सेक्सी वाला ब्लैक ड्रेस मीशो का फेवरेट ये मैंने मंगवाया है मेरी विश से पता नहीं क्यों शॉप में थी मैंने उनको बोला कि आपने ऑर्डर तो कर दिया है बट ये आएगा नहीं। दिस इज द ब्लैक कलर का सिंपल सा ड्रेस एंड जो यहाँ पे से टमी के पार्ट वाला वो सी थ्रू मैश वाला होता है लॉन्ग वाला ब्लैक ड्रेस साइड में ऐसे स्लिट रहता है। नेक्स्ट है एक बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस एंड ऑब्वियसली ये भी टाइम से मेरे कार्ट में था एंड फिर ये भी मैंने ओपन कर लिया क्योंकि मैं बहुत ही ऐसा डाउटफुल थी इसके बारे में क्योंकि ऑब्वियसली जिससे वो दिखा रहे थे और जैसे इसकी प्राइस थी वैसा आना तो मुश्किल है एंड नामुमकिन मुझे लग रहा था बट ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक आ गया है, मतलब पहनने पे अच्छा लग रहा था। एंड ये है बांधनी का जॉर्जेट मटेरियल में एक अनारकली ड्रेस एंड इसके साथ आता है सेम इसका दुपट्टा एंड दुपट्टा इसका मुझे बहुत ही स्मॉल लगा बट ओके उसमें मस्त वाली लेस दी गई थी बट इसमें काम चलाव लेस है तो हमें भी काम ही चलाना पड़ेगा। काइंड ऑफ हैप्पी विथ दिस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है ये वाला पार्सल जो शी खोल रही थी एंड उसको ओपन नहीं हुआ है। यह है एक वाइट कलर की कुर्ती एंड ये है एक शॉर्ट कुर्ती। ये श्री की दीदी के लिए मैंने लिया है क्योंकि उसको वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है एंड वो भी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कृष्णा भक्त है तो फिर मैंने सोचा कि उसको ये मोरपंख वाला अच्छा लगेगा शायद, तो मैंने सोचा कि हम ऑर्डर करके देख लेते हैं, देखते हैं दिवाली में आता है नहीं, बट ये सबसे पहले आ गया था। इसका मटेरियल थोड़ा सा सी थ्रू मुझे लग रहा है बट वाइट में ऐसा प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है, बाकी इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा लगता है। प्रिंट का आई एम नॉट श्योर के वॉश के बाद क्या होगा एंड यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट है ये दो पार्सल एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये मैंने करवा चौथ में ऑर्डर किया था करवा चौथ में पहनने के लिए बट करवा चौथ में ऑब्वियसली मीशो ऐसे कैसे बेच देता बट अब ये हम शायद दिवाली में यूज़ करेंगे शायद। तो ये है दो साड़ियाँ एंड ये थोड़ी सी ऐसी मतलब नेट टाइप एंड थोड़ी सी ऐसी वो ऑर्गेन्जा टाइप है एंड ये दोनों सेम डिज़ाइन में ही है तो सेम मटेरियल में ही होगी क्योंकि ये सेम चैनल में सर्च करी है। तो दिस इज द साड़ी एंड सुपर प्रिटी एंड ये है येलो एंड रेड एंड ये है मेरे लिए एक मम्मी लिए। ओके, तो ये है एक पिंक कलर की एंड ये भी ऐसे कुछ टाई एंड डाई टाइप में है एंड अब सब जानते हैं कि मुझे टाई एंड डाई एंड ओम्बे कपड़े बहुत ही पसंद है तो यार दिस इज दिस एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें मस्त वाली साड़ी मिलने वाली है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है वन मोर साड़ी जो पति देव ने मेरे लिए ऑर्डर करी थी, वो ड्रेस और ये साड़ी एंड थोड़ी दो तीन कुछ चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो अब तक आई नहीं है। ये भी मेरे विश लिस्ट में से ही है एंड
एंड इसको मैंने ओपन नहीं किया है, मैंने सोचा फिर वीडियो में ओपन करेंगे क्योंकि इसकी रिटर्न डेट बहुत ही अच्छी थी। चाकू से क्यों नहीं खोलती? तो ये है एक वाइट कलर की साड़ी एंड वाइट नॉट माई कलर बट ठीक है, आप ये मंगवाई है एंड वो भी मेरे रिलेटिव से मंगवाई है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये है वाइट कलर की साड़ी एंड इसमें रेड कलर के हार्ट्स बने हुए हैं एंड इसीलिए ये तो रेड कलर के तो होते हैं हार्ट। और उसका दूसरा रीजन ये भी था कि इस सेम डिजाइन में बेबीज में फ्रॉक भी आता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं और श्री ट्विनिंग करने के लिए वो दोनों साथ में ऑर्डर कर सकते हैं एंड साथ में पहन सकते हैं। सो या दिस इज द साड़ी एंड ये बिल्कुल ही पड़ी का पैक है तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है एंड इसमें ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले हार्ट्स बने हुए हैं एंड इसको हमें रेड ब्लाउज के साथ पेयर करना है तो ये बहुत ही मस्त लगने वाला है एंड रेड बैंगल्स एंड इतना बड़ा पार्सल ये तो मैं ले भी नहीं सकती, मम्मी भी नहीं। हाँ, ये इतना बड़ा पार्सल जब आया तब मुझे भी लगा था कि इतना बड़ा क्या मंगवाया है, पहले मैंने सोचा कि पतिदेव का कुछ होगा, फिर मैंने चेक किया एंड यहाँ पे पढ़ा तो फिर मुझे समझ आया कि इसमें है मेरा ही ऑर्डर किया हुआ एक प्रोडक्ट। मम्मा मैं खोलती हूँ, दो ना। नहीं खुल रहा है ना, दो ना। Years later, खुल तो गया है बट अभी भी ये निकल नहीं रहा। तो ये है एक बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स का सेट जो मुझे पता नहीं चला था। इसमें ये मेरे ऊपर चिपक गई। पतिदेव के चलते हमने दो सेट ऑर्डर किए हैं क्योंकि मुझे फोटो वॉल का इतना शौक है, मुझे हर जगह घर में फोटोज लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो कुछ फोटोज हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे उसके लिए बहुत सारे पड़े हुए थे एंड इसीलिए मैंने ये मंगवाया है एंड कुछ नहीं हुआ इसके साथ एंड ये काफी अच्छा मटेरियल मुझे लग रहा है। अब देखते हैं, ये काफी सुपर लाइटवेट, ये लाइट बहुत ही लाइटवेट है एंड ये बहुत ही हमें अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है एंड ये कितने आते हैं काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये 6 फोटो फ्रेम्स का हमें सेट आता है। इसमें छोटी बड़ी वाली वो आती है, वो भी मुझे लेनी है क्योंकि मेरे पास पुराने फोटोज जो है वो छोटे छोटे वो पड़े हुए हैं, वो भी मुझे वॉल पे ही लगाने हैं। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर हम वो कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा हमारा प्रोडक्ट निकल आया है। तो या ये छोटे छोटे फ्रेम में ऐसे बड़ा होता है तो वाइट वाइट अच्छा लगता है इसमें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके आए तब तक के लिए कहीं मत जाना जाना क्योंकि लौट के वापस यही आना है। आना आना, बाय बाय।